हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड फन ग्रुप। आप सभी का हमारे चैनल पे बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MSTCT 2019 के बाद के बारे में। कैप राउंड 3 के बाद जिसको एडमिशन मिल चुका है अपने अपने कॉलेजेस में, तो अब आपको क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन भरना होगा। असल में दो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आई होप जब आप सबको एक अच्छे अच्छे कॉलेज आपके पसंद के मिल गए हों और आप सबको अपने अपने कॉलेज में मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं पूरा एंड तक ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ बातें और भी करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल रिलेटेड और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप एक भी जानकारी से चूकने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है, सबसे पहले कि आप जब भी कॉलेज में गए होंगे, आपको एडमिशन मिला होगा, आपने अपना कॉलेज स्टार्ट किया होगा, तो उसके बाद आपको कॉलेज वाले कई सारे फॉर्म भरवाए होंगे अपने जब एडमिशन के वक्त कैप राउंड के थ्रू आपको एडमिशन हुआ हो या फिर आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन हुआ हो। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे फॉर्म्स आपको भरवाया गया होगा और आपने सारे फॉर्म को भरा होगा। उसमें से पहला एक फॉर्म रहता है उसमें से कैसे भी हो सकता है, बट एक फॉर्म रहता है ERP रजिस्ट्रेशन, ERP। तो दोस्तों, ये क्या करना रहेगा कि आपको पहले उस फॉर्म को आपको कॉलेज बताएगा एक वेबसाइट में, तो आपका अपना अपना कॉलेज बताएगा, उस पर आपको जाना होगा, जाके उस फॉर्म को सबमिट करना होगा जो आपको ERP रजिस्ट्रेशन करना होगा, और फिर आपको एक नंबर मिलेगा जिसको आपको कंप्यूटर पर जो शो हो रहा होगा आपको उसका एक फ़ोटो खींच लेना है या फिर उस नंबर को नोट कर लेना है। तो उसके बाद आपको कॉलेज वाले, जब हो जाएगा कॉलेज का काम, तो कॉलेज आपको एक ERP नंबर देती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आगे के लिए। तो और ये एक ERP रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको अगर पता हो या ना हो अपने कॉलेज में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा किसी भी अपने स्टाफ से या फिर टीचर से या फिर किसी भी सर से ज़रूर पूछिएगा अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है तो। और दूसरा फॉर्म ये है कि आपको एक मुंबई रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म भरना रहेगा। मुंबई डिजिटल रजिस्ट्रेशन करके वेबसाइट है, चलिए मैं आपको वहाँ लेके दिखाता हूँ। तो ये आपका वो वेबसाइट है जिस पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ पेज इस तरह का दिखेगा। यहाँ आपको पहले वाले पे क्लिक करना होगा, क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2019-20। आपको इस पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन भरना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें कैसे आपको फॉर्म भरना रहेगा, तो यहाँ एक नीचे वाला लाइन सीधा सीधा दिया हुआ है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक वीडियो खुलेगा यूट्यूब पे, आप उस पे देख सकते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, बहुत ध्यान से ये फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म भरते वक्त आपको मांगता है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं। आपका पहले 12th का मार्कशीट पूछेगा, 10th का मार्कशीट पूछेगा, आपका यहाँ का प्रूफ पूछेगा, डोमिसाइल्स पूछेगा, और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट पूछेगा, कास्ट वैलिडिटी है तो कास्ट वैलिडिटी पूछेगा, और भी आपके पास कुछ फॉर्म्स है, TC हो गया, LC हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो इसमें वो सारे इन्फॉर्मेशन देने रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें फ़ोटो क्रॉप करके डालना, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अगर आप एक मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे एक कंप्यूटर में खोल के आप सारे फॉर्म को साइबर कैफ़े पे किसी साइबर कैफ़े वाले से थ्रू आप उस फॉर्म को भरवाएं, और ताकि एक भी आपसे मिस्टेक ना होने पाए। और नाम के एक एक स्पेलिंग्स को आप ध्यान से भरिएगा। और इसमें एक आता है, नीचे नाम पूछता है आपका, एक हिंदी में, मतलब कि आपके हिंदी लैंग्वेज में आपका नाम पूछता है। तो आपको, जैसे अगर आप ओपन में हैं तो इसको आप हिंदू नहीं लिख देना है, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हिंदू हिंदी में मुस्लिम नहीं लिख देना है। आपको लिखना क्या है, आपको ये लिखना है आपका जो नाम है, अगर मान लीजिए आपका नाम यश है, यश ठाकुर है, तो आपको इस तरह से लिखना होगा, हिंदी में यश ठाकुर करके लिखना होगा, और आपको पूरा नाम या फिर
जो भी आपका मिडिल नेम है उसके साथ जो आपका एक नाम आपका इंग्लिश में लिखा है और वो मार्क्स आपके 12th के मार्कशीट में सेम टू सेम लिखा है उसी की तरीके का हिंदी में आपको सेम लिखना होगा नाम वहाँ पे। फिर उसके बाद आपके मम्मी का नाम लिखना होगा, फिर आपके डैडी का नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको नीचे अपने सारे फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी ये सारे देने होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपके कोई भाई बहन या फिर किसी ने एडमिशन लेते वक्त करवा चुका है उस नंबर से रजिस्टर या उस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर चुका है तो वो ईमेल आईडी दोबारा उसमें यूज्ड में नहीं आएगा, आपको एक दूसरा नया ईमेल आईडी या नया नंबर मोबाइल नंबर ये दोनों चीज़ नया होना चाहिए। मतलब अगर पहले किसी ने रजिस्टर किया है इस वेबसाइट पर उसी सेम नंबर से तो उस नंबर से ये रजिस्टर दोबारा नहीं होने वाला है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका एक हिंदी में नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एक अच्छे से डिटेल्ड एड्रेस लिखना होगा, उसमें आपको अपना स्ट्रीट, कॉलोनी या फिर नियर बाय सब पूछेगा, आपको एक एक करके लिखना होगा। उसके बाद जब आपका एड्रेस डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोफाइल पहला पूछा रहेगा, आपने अपना प्रोफाइल सही से लिखना है, नाम आपका सही से लिखना है, फिर उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ सही डालना है। एक भी दोस्तों मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर एक भी मिस्टेक हो गया तो फिर आपको वापस से फॉर्म भरना होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें अगर आपका मिस्टेक हो भी जाता है, मान लीजिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर से फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो एक काम करिए सीधा नया फॉर्म डालिए, नया फॉर्म भरिए, आपको इसमें नया फॉर्म डालिए नए नंबर से, लेकिन उस बार डालना होगा नए ईमेल आईडी से डालना होगा, जिसमें आपको सारे आधार कार्ड वगैरह सब कुछ उसमें आपको शो करना होगा, दिखाना होगा, उसके नंबर्स आपको लिखने होंगे। इस तरह से आपका ये मुंबई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भराएगा और एक भी स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों मत करिएगा। और सारे वही फॉर्म और उसमें जब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा क्या क्या आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आप डालिएगा जो आपको आपके पास है। अगर जब आपके पास नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप दूसरा कोई भी फॉर्म नहीं डालिएगा। ये आपसे मैं पहले भी कह दे रहा हूँ, दूसरा फॉर्म नहीं है तो मत डालिएगा। और फिर उसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद कॉलेज को आपको इसका यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म दे देना होगा और कॉलेज आपका ये एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद आपको ये आपको बहुत ही काम देगा आगे के लिए। तो ये आज आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट बात थी, एक मुंबई रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी से और फिर दूसरा एक ईआरपी। आपको अगर समझ में आ गया होगा ईआरपी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे की बात करें तो जैसे कि मेरे भी कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो जो कॉलेज में अगर पढ़ाया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसका एक लेक्चर वाइज एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँ हर एक, जैसे मैकेनिक्स का हो गया, फिज़िक्स का हो गया, मैथ का हो गया, तो जो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो समझा रहे हैं, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको चाहिए, ऐसा लगता है कि हाँ आप भी देखना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर को देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं यस वी नीड लेक्चर्स वीडियो। तो आप इस तरह का कमेंट में डालिए, वी नीड लेक्चर वीडियो, तो मैं अगर 150 या फिर 50 से ऊपर आता है तो मैं डेफिनेटली इसको बनाऊंगा कमेंट। अगर डेफिनेटली आपका ये आते हैं, 50 कमेंट से ज़्यादा आते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली आपके लिए वीडियो बनाने का पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम मिल पाता है। तो मैं जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको सैटरडे संडे ये दो दिन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें, आप सबका कमेंट, मैं सबका कमेंट रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जिसका जिसका हो सके, सब किसी का मैं कमेंट देखता हूँ और हर एक किसी का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और कमेंट में आप अपनी बातों को, अपनी डाउट्स को पूछना ना भूलिएगा। Goodbye, take care, see you in the next video.